चक्रवाती तूफान गाजा तमिलनाडु के पंबन और कडलोर के बीच तट से टकरा गया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु पुडुचेरी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। कडलोर और नागपट्टनम में स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है और किसी भी प्रकार के अनहोनी से निपटने के लिए प्रशासन ने राहत एवं बचाव टीम को अलर्ट पर रखा हुआ है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट परिसर में अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक दोषी को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। उल्लेखनीय है कि अवतार सिंह हरदेव सिंह की हत्या के आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराया है और अब 20 नवंबर को उन्हें सजा सुनाई जाएगी। आगरा के सीएमओ ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। उन्होंने ऐलान किया है कि सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को परिवहन विभाग की तरफ से 2,000 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। आजमगढ़ में महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी के दिए बयान के बाद उन पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने FIR दर्ज करा दी है। दरअसल अबू आसिम आजमी ने आजमगढ़ में योगी और पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उन पर FIR कराई गई है। बुलंदशहर में किसान की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। मौत से किसान के घर में कोहराम मचा हुआ है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर के अनूप शहर में DM ने कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान मेले की तैयारी की समीक्षा की। वहीं बैठक का संचालन करते हुए उप जिलाधिकारी ने कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला की तैयारियों का ब्यौरा भी रखा। SDM ने बताया कि गंगा स्नान 19 नवंबर से 28 नवंबर 2018 तक रहेगा और मुख्य स्नान 23 नवंबर को होगा। फैजाबाद का रेलवे स्टेशन उस वक्त गुलजार हो गया जब दिल्ली से रामायण एक्सप्रेस अयोध्या पहुंची। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने तीर्थयात्रियों के लिए रामायण एक्सप्रेस चलवाई है, जो देश के तमाम तीर्थ स्थानों से होते हुए रावण की लंका तक का सफर करवाएगी। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक साथी बदमाश घायल हो गया, जबकि उसके दो साथी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि देर रात पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस की इन बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। श्रावस्ती में पुरानी जमीनी विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। झगड़े में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से CHC में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को बहराइच रेफर कर दिया है। UP के सभी BDC और DDC लड़के लड़कियों ने सरकार के सामने अपनी मांग रखी है। उन्होंने अपनी मांग में एक रखा है कि भारतीय संविधान का 73वां अनुच्छेद लागू किया जाए। सपा की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता सिंह ने लखनऊ में DGP से मुलाकात की, जहां उन्होंने DGP से महिलाओं के प्रति अपराधों पर लगाम लगाने की बात कही। साथ उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़े जितने भी मामले हैं उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए।